देश में डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि एवं महंगाई के विरोध में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा पेट्रोल पंप पहुंचकर विरोध जताया गया। साथ ही शहर विधायक द्वारा पेट्रोल भरवाने पहुंचे वाहनों पर माला पहनाकर इस बढ़ती महंगाई का विरोध किया गया। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी दुर्ग द्वारा देश में डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों में भारी वृद्धि एवं महंगाई के विरोध में एक दिवसीय प्रदर्शन कर महंगाई के लिए जिम्मेदार बताते हुए आक्रोश जताया गया। इसके चलते दुर्ग के पटेल चौक स्थित हमारा पेट्रोल पंप में दुर्ग के विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, आर.एन. वर्मा सहित अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों द्वारा पेट्रोल पंप पर उपस्थित होकर प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही महंगाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस संबंध में मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार की महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। 4-5 राज्यों में चुनाव होने के बाद 4 राज्यों में जनता ने विश्वास किया भाजपा और केंद्र सरकार के ऊपर, और सत्ता पाने के बाद केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमत बढ़ाकर जनता के साथ विश्वासघात धोखा किया है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि आम लोगों का, खासकर मध्यम वर्गी और गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो गया है कमर तोड़ महंगाई ने। जब तक केंद्र की मोदी सरकार महंगाई कम नहीं करेगी, तब तक कांग्रेस पार्टी का आंदोलन जारी रहेगा। आज किस तरह का विरोध किया? आज हम लोगों ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तरफ से निर्देश था कि हमको प्रतीकात्मक विरोध करना है लगातार। आज हम लोगों ने पेट्रोल पंप पे आए और लोगों को बताया कि किस तरीके से आपके साथ मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल कीमत बढ़ाकर, गैस की कीमत बढ़ाकर छल किया है। हम लोग माला पहनाए गाड़ियों में, ये स्थिति आ गई घर में गाड़ी को माला पहना कर रख दो, क्योंकि अब पेट्रोल डालकर चलने की स्थिति में आप नागरिक नहीं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।